प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे शहरों को अगले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार है। 4 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी। राहुल गांधी को शहजादा कहने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि वे खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे। झारखंड के पलामू में प्रचार के दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जनता की जायदाद को हड़पने का आरोप लगाया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं व 12वीं के छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। ताजा अपडेट के अनुसार सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 मई के बाद जारी किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित होने पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मुकाबला बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस आईपीएल में आरसीबी पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। आज अगर टीम हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। कनाडा पुलिस ने दावा किया है कि उसने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडाई मीडिया के मुताबिक एडमंटन से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी भारतीय हैं। इन पर पुलिस कई महीनों से नजर रखी हुई थी। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात से बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय कर दी है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है। सरकार ने कीमत बढ़ने के कारण पिछले साल दिसंबर से प्याज के निर्यात पर बैन लगा रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत को जेनोफोबिक यानी विदेशियों के प्रति नापसंदगी रखने वाला देश बताया था। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री ने बाइडेन की टिप्पणी को खारिज कर दिया। जयशंकर ने बताया कि भारत विभिन्न समाज के लोगों का स्वागत करता है। यह देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है।